आ चुके हैं दोस्तों एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। सो गाइस, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हरिशन स्नातकोत्तर महाविद्यालय वाराणसी में गाइस काउंसलिंग की डेट आ चुकी है कि किस डेट पे आपका काउंसलिंग होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीकॉम के लिए आ चुकी है किस सूची की कब होगी, किस डेट में होगी काउंसलिंग, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, फीस कितनी लगेगी, ये सारी जानकारी दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको देंगे। सो गाइस, इसलिए वीडियो पे लास्ट तक जरूर बने रहिएगा जिससे कि आप लोगों से कोई भी डिटेल मिस ना हो सके। पर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर ले जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑनलाइन फॉर्म इन हिंदी। माय नेम इज पीयूष गुप्ता। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, यहाँ पे आप सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी के लिए दिया गया है। दिनांक 2/9/2022 में सूची एवं सूचकांक में आप देख सकते हैं मुख्य सूची 54 एवं उससे अधिक वाले जाएंगे, प्रथम प्रतीक्षा सूची में 51 एवं उससे अधिक वाले जाएंगे, द्वितीय प्रतीक्षा सूची में 48 एवं उससे अधिक संख्या वाले, अधिक नंबर वाले यहाँ पे स्टूडेंट्स जाएंगे। 20% आरक्षित महिला सामान्य श्रेणी अभ्यर्थियों के लिए सभी श्रेणी के सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक के आश्रित एवं दिव्यांग वर्ग के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी का अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर EWS अभ्यर्थी जाएंगे, जिसमें आपके 3/9/2022 में आपके प्रथम प्रतीक्षा सूची में, पहले मुख्य सूची में गाइस देख लेते हैं, यहाँ पे 46 एवं उससे अधिक नंबर वाले जाएंगे, प्रथम प्रतीक्षा सूची में 38 एवं उससे अधिक नंबर वाले जाएंगे, द्वितीय प्रतीक्षा सूची में 31 एवं उससे अधिक अंक वाले जाएंगे। और यहाँ पे सभी EWS के पुरुष एवं आर्थिक महिला एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, अनुसूचित जाति, भूतपूर्व सैनिक के, दिव्यांग, जितने भी अभ्यर्थी होंगे वो सभी लोग जाएंगे। समस्त अभ्यर्थी के सूचकांक के अवरोही क्रम में एडमिशन लिया जाएगा। फिर यहाँ पे नोट दिया गया है, काउंसलिंग हेतु आमंत्रण मात्र ही अभ्यर्थी के प्रवेश की गारंटी नहीं है, काउंसलिंग कार्य सूचकांक के अवरोही क्रम में सीट की उपलब्धता तक किया जाएगा। उपरोक्त सूची मेरिट के अनुसार है जिसमें सभी जाति और वर्ग के अभ्यर्थी सम्मिलित हैं। तो अब यहाँ पे गाइस प्रवेश समय आप देख सकते हैं 10:30 से 3:30 बजे तक दिया गया है। बीकॉम भाग वन में यहाँ पे अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी के लिए दिया गया है। दिनांक 4 को वरीयता सूची में समस्त 18 एवं उससे अधिक संख्या वाले नंबर वाले स्टूडेंट्स जाएंगे। 20% आरक्षित महिला, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अभ्यर्थियों के लिए है। 4/9/2022 को वरीयता सूची जाएंगे समस्त 18 एवं उससे अधिक संख्या वाले यानी कि नंबर वाले जाएंगे गाइस। काउंसलिंग हेतु आमंत्रण मात्र ही अभ्यर्थी के लिए प्रवेश की गारंटी नहीं है। तो ये नोट आपको हर पेज पे मिलेगा, तो इसको स्किप करते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद गाइस अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी के लिए 4/9/2022 को मुख्य सूची 49 एवं उससे अधिक, प्रथम प्रतीक्षा सूची 45 एवं उससे अधिक, द्वितीय प्रतीक्षा सूची 43 एवं उससे अधिक, 20% आरक्षित महिला अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी के लिए 4/9/2022 को मुख्य सूची 47 एवं उससे अधिक, प्रतीक्षा सूची 42 एवं उससे अधिक स्टूडेंट्स जाएंगे गाइस। उसके बाद यहाँ पे गाइस आपको कहा जाता है अभिकाम भाग एक में प्रवेशार्थी को सूचित किया जाता है कि प्रवेश कार्य दिनांक 2/3/4/2022 को होना है। वरीयता सूची एवं विस्तृत कार्यक्रम महाविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। निम्नलिखित प्रमाण पत्र एवं मूल प्रति छाया एवं प्रवेश के समय प्रस्तुत करना आवश्यक है। प्रवेश परीक्षा का प्रवेश पत्र, आवेदन फॉर्म की डाउनलोड प्रति, 2 प्रतियों में प्रिंट कॉपी चाहिए। एंटी रैगिंग का महाविद्यालय की वेबसाइट पर अब उपलब्ध अंडरटेकिंग प्रारूप महाविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर पूर्ण रूप से भरकर हस्ताक्षरित कराकर लाना आवश्यक है। हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को संबंधित जिले के तहसील के तहसीलदार से प्राप्त जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति के साथ ओरिजिनल कॉपी इंटरनेट पर उपलब्ध डाउनलोड प्रति भी प्रिंट कर प्रवेश में प्रस्तुत करें। अन्य पिछड़ा वर्ग के उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों का वर्ष 2019 या उसके बाद का निर्धक जाति प्रमाण पत्र ही अनुमान्य होगा। जाति प्रमाण पत्र के लिए मूल प्रति के साथ ओरिजिनल कॉपी इंटरनेट पर उपलब्ध डाउनलोड प्रति भी प्रिंटआउट करना आवश्यक है। उसके बाद EWS के लिए अभ्यर्थियों के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत एक वर्ष के अंदर बना हुआ EWS का प्रमाण पत्र होना चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का परिचय पत्र, पेंशन प्रपत्र तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी द्वारा आश्रित होने का प्रमाण,
हलफनामे द्वारा प्रवेश समिति की समक्ष प्रस्तुत करना होगा तथा पेंशन पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि एवं हलफनामे की मूल प्रति प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाएगी। निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी द्वारा निर्गत आश्रित प्रमाण पत्र ही स्वीकार किए जाएंगे। सभी संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। सेवारत सैनिक तथा भूतपूर्व के आश्रित पैरा 4 एवं 2 में वर्णित अपने माता पिता के पेंशन पत्र व परिचय पत्र का एक प्रतिलिपि अपने आवेदन पत्र के साथ अवश्य संलग्न करें। दिव्यांग अभ्यर्थी पैरा 4 में वर्णित मेडिकल बोर्ड द्वारा प्राप्त प्रमाण पत्र प्रवेश समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और सत्यापित प्रतिलिपि प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। मेडिकल बोर्ड प्रदत्त 40% या अधिक का प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। शैक्षिक अंतराल 2019-21 का शपथ पत्र, 2 नवीन रंगीन फोटोग्राफ। प्रवेश प्रक्रिया के उपरांत प्रवेश में पाए अभ्यर्थियों का निर्धारित शैक्षिक शुल्क ऑनलाइन पर लॉगिन करके जमा होगा, जो कि आपके कॉलेज की वेबसाइट के लिए दिया गया। विशेष के लिए यहाँ पे दिया गया, प्रवेशार्थियों के लिए COVID-19 से बचाव हेतु दिशा निर्देश एवं मास्क एवं सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। तो ये था गाइस आज का हमारा इन्फॉर्मेशन वीडियो। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।